ज़ेरे आब इनकलाब। दुनिया का सबसे लंबा रेल और सड़क का मुश्तरका ज़ेरे आब सुरंग मंसूबा जर्मनी और डेनमार्क को जोड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर के नीचे सफ़र करना कैसा होगा? जर्मनी और डेनमार्क इस ख्याल को हकीकत में बदल रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे तवील ज़ेरे आब रेल और सड़क के मुश्तरका सुरंग मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ये मंसूबा ना सिर्फ सफ़र को आसान और तेज़तर बनाएगा, बल्कि यूरोपीय नकलो हमल के नक्शे में एक इनकलाब लाने का भी वादा करता है। वन अवर्ड की एक और हैरत अंगेज वीडियो में खुश आमदीद। आइए आपको इस हैरत अंगेज मनसूबे के बारे में बताते हैं। नाजरेगा में यह मनसूबा, जिसे फेमरन बेल्ट फिक्स्ड लिंक कहा जाता है, बाल्टिक समुद्र के इस हिस्से को अबूर करेगा जो जर्मनी और डेनमार्क को अलग करता है। 18 किलोमीटर के हैरत अंगेज लंबाई के साथ ये ना सिर्फ मौजूदा फेरी के सफ़र के वक्त को एक घंटे से ज़्यादा कम कर देगा, बल्कि सड़क के सफ़र को भी कम कर देगा, जो इस वक्त डेनमार्क के मेन लैंड के एक तवील चक्कर का मुतकाजी है। रेल के मुसाफिरों के लिए तो ये भी और फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मौजूदा 5 घंटे के सफ़र को कम करके सिर्फ 3 घंटे कर देगा। लेकिन यह मनसूबा सिर्फ तेज़ रफ्तार सफ़र के बारे में नहीं है, इसे यूरोप के उस हिस्से में तजारत और रबते में भी इजाफा होगा। सामान की नकलो हमल तेज़ और ज़्यादा मौसर हो जाएगी, जिससे कारोबार और मईशत को फ़ायदा होगा। इसके अलावा यह मनसूबा माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि फेरी के सफ़र के मुकाबले में कार्बन के अखराज में कमी वाकई होगी। ये सुरंग कैसे तामीर होगी? आम तौर पर ज़ेरे आब सुरंगों की तामीर एक पेचीदा अमल होता है, लेकिन जर्मनी और डेनमार्क जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरंग को पहले से तैयारशुदा कंक्रीट के सेक्शनों से बनाया जा रहा है, जिन्हें फिर जगह पर ले जाकर समुद्र की तह में फिट किया जाता है। ये सेक्शन बहुत मजबूत और पायदार होते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सुरंग आने वाली दिहाइयों तक मौसल तरीके से काम करेगी। नाजरेगामी, इस मंसूबे का हुजम हैरत अंगेज है। 2000 से ज़ायद मजदूर इस मंसूबे पर दिन रात काम कर रहे हैं, और ये यूरोप के सबसे बड़े तामीराती मुकामात में से एक है। 10 बिलियन यूरो की लागत से ये मंसूबा ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग का शाहकार है, बल्कि यूरोपीय इत्तेहाद के तआवुन की भी एक मिसाल है। मुस्तकबिल में जब यह मंसूबा 2029 में मुकम्मल हो जाएगा, तो ये यकीनी तौर पर जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान सफ़र का एक नया बाब रकम करेगा। मुसाफिर और तजारती सामान ज़ेरे आब आमदोरफ्त कर सकेंगे, जिसे यूरोप के इस हिस्से में राबते और तजारत को फ़रोग मिलेगा। ये मनसूबा ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इनकलाबी मनसूबा है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक कमाल भी है, जो मुस्तकबिल में काफ़ी मौसर साबित होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए वंडर वर्ल्ड। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।